तो देखिए यहाँ पे भैया भगवान राम धनुष लेके खड़े हैं और ये देखते ही आप पहचान गए होंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में एक कॉल आ जाने के चक्कर में थोड़ा सा मैं डाटा दे नहीं पाया, तो अगली वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये साई की कुटिया जगह का नाम है, देवकाली बाईपास से जब आगे बढ़ोगे तो ये साई की कुटिया जहाँ भगवान राम का स्टेचू लगा था, और भगवान राम लखनऊ की तरफ मुँह करके खड़े हुए थे वहाँ पे। और ये सूर्य स्तंभ लगभग सभी चौराहे के बीचों बीच डिवाइडर के बीचों बीच लगाया गया है, और सामने देखिए लिख दिया है सुल्तानपुर, रायबरेली, और सीधे जाओगे तो दिल्ली। रायबरेली नेक्स्ट वाले से जाना है, लेकिन नीचे नीचे ही जाना है चौराहे से। पहला जो चौराहा लेफ्ट टर्न करेगा सुल्तानपुर जाएगा, और उसके बाद वाला जो चौराहा क्रॉस करेगा वहां से वो रायबरेली जाना है, मतलब लखनऊ की तरफ ही जाने के बाद में रायबरेली के लिए टर्न करेगा, और सीधे निकल जाओगे तो आप चले जाओगे लखनऊ। तो अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, प्रयागराज जाना है, सुल्तानपुर जाना है, तो आपको इसी जो अभी हाईवे आएगा तो वहां से ही आपको नीचे चल के लेफ्ट टर्न कर जाना है। मैं पहुंच गया हूं नाका बाईपास, जिसको नाका बोलते हैं, अयोध्या का नाका है, पहले फैजाबाद हुआ करता था, और अभी ये नाका बाईपास अयोध्या। सामने देखिए, अगर नीचे से जाके और राइट टर्न कर जाएंगे तो नवीन सब्जी मंडी, मंडी होता है जो जहाँ पे सब्जियाँ बिकती हैं सुबह के टाइम में, लोग अपना किसान लोग लाके बेचते हैं, तो आगे से जाके राइट टर्न पड़ता है। तो ये हम पहुंच गए हैं नाका बाईपास, यहाँ से करेंगे लेफ्ट टर्न और उस पर चलेंगे करीब 2 किलोमीटर के आसपास में, जहाँ पे अपना एयरपोर्ट के लिए रास्ता जाता है। बेसिकली मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ एयरपोर्ट का, कि एयरपोर्ट कैसे जाएं, एयरपोर्ट जाने के लिए रास्ता कौन सा है। अगर आप अयोध्या दर्शन करने के लिए आओगे तो आपको इसी रास्ते से पीछे की तरफ में अयोध्या जाना पड़ेगा। तो ये चौराहा है, इस चौराहे से आपको करना है लेफ्ट टर्न एयरपोर्ट जाने के लिए, और आने के लिए उधर से आओगे तो पुल के उस पार से भी आप इस हाईवे पे चढ़ोगे, राइट टर्न करोगे वहां से। तो अभी ये जो चौराहा है यहां से करूंगा मैं लेफ्ट टर्न, थोड़ा सा बिजी ट्रैफिक ज्यादा रहता है, बिजी चौराहा है, और एयरपोर्ट की बाउंड्री देखिए यहीं से शुरू हो जाता है, ये बाउंड्री शुरू हो जाता है भैया एयरपोर्ट का। ये देखो क्या लिखा है, औद्यानिकी अनुरक्षण एंट्री, यहाँ कुछ दे दिया, पहले गेट वोट था एंट्री का, वो सब पूरा गेट वोट बंद कर दिया एयरपोर्ट का। और सामने देखिए सुल्तानपुर उधर दिया दे दिया है ऊपर लेफ्ट टर्न के लिए, और राइट टर्न के लिए दे दिया है अयोध्या के लिए। और ये सड़क जाएगी आपको एयरपोर्ट के लिए भी आप जा सकते हो, लेकिन इधर से आपको जाना नहीं, इधर से ये रास्ता थोड़ा सा पीछे की तरफ निकालेगा आप तारा जोगी तारा होके, लेकिन उधर से जाना नहीं, जो गंजा जाएगा एक मेडिकल कॉलेज के लिए जाता है यहाँ पे, जो अगर मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन कराना है, MBBS आपके बच्चे कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको रास्ता इधर से जाएगा। आपको ऊपर से दिखाते हैं जो पीछे सामने के लिए राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज गंजा अयोध्या, उसके लिए ये रास्ता जाएगा, गेट नंबर 3। हाँ, आगे एयरपोर्ट के लिए ब्लॉक है, ये केवल आपको मेडिकल कॉलेज के लिए ही जाएगा। वो भी ब्लॉक, अच्छा मेडिकल कॉलेज का भी रास्ता ब्लॉक है, ये बस आगे तक ही जाएगा। अच्छा, ये थोड़ी दूर तक जाएगा, ये शायद यहाँ पे रास्ता ब्लॉक है तो इधर से नहीं जाना। मैं भी इसको वीडियो बना रहा हूँ 9 अक्टूबर 2024 को, हो सकता है बीच में कभी खोले, लेकिन ये रास्ता अभी बंद है, मैं अपडेट करूंगा जब ये रास्ता खुलेगा। तो यहीं से करेंगे लेफ्ट टर्न, चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, आपको दिखाते हैं कि एयरपोर्ट कैसा है। और यहाँ से अगर राइट टर्न कर जाओगे तो अयोध्या कैंट सिटी में चले जाओगे, और यहाँ से राइट टर्न करके यू टर्न कर जाओगे तो अयोध्या सिटी के लिए निकल जाओगे, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर आउटर रिंग रोड के रास्ते से है। यहाँ से करिए लेफ्ट टर्न, हॉर्न देके निकलिए, लेफ्ट टर्न परमिटेड रहता है कभी भी, आगे ट्रैफिक की वजह से तो अब रेड लाइट था। यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ने वाले, चूँकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, अवध यूनिवर्सिटी है, तो ये है अवध यूनिवर्सिटी का भी रास्ता। ये चौराहा इसलिए भी बिजी रहता है क्योंकि अवध डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी भी यहीं पे है। आप भीड़ देख के जान गए होंगे कि मैं अभी टर्न कर गया हूँ इलाहाबाद की तरफ, इलाहाबाद सॉरी माफ़ करिएगा, अभी प्रयागराज हो गया है, तो मैं प्रयागराज की तरफ अभी टर्न कर गया हूँ। और देखिए कैसे लोग बेतरतीब ऐसे गाड़ियाँ कहीं भी घुसा देते हैं, तो ऐसा ना करें, आप पीछे तक जाएं जहाँ आपका नंबर आता है, वहाँ से आप अपना यू टर्न लेके आएं, किसी भी गाड़ी के बीच में घुमा के जबरदस्ती घुसा के आप जाम ना लगाएं। आप थोड़ा सा ट्रैफिक वालों का, जितने हमारे सिक्योरिटी मेंबर्स लगे हैं उनका सम्मान करें, और ये एक्स्ट्रा बर्डन होता है जो हमारे साथ, मान लो कोई पीछे एम्बुलेंस फंसी होगी, कोई इमरजेंसी सर्विसेज फंसी होगी, तो आप अगर जाम लगाओगे तो कहीं ना कहीं से वो दिक्कत कर जाएगा।
तो थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें जब कभी भी आते हैं। ये यहीं के लिए नहीं, हर जगह के लिए एप्लीकेबल होता है। एटलीस्ट एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो 100 नंबर होती हैं या 100 गाड़ियां होती है, किस सिचुएशन में कहां जा रही हैं। ऐसा नहीं है एम्बुलेंस खाली है और जा रही है, हाँ उटर बाजार है तो आपको नहीं छोड़ना है। क्या पता पेशेंट को लाने भी जा रहा होगा, ऐसा नहीं है कि पेशेंट नहीं है तब भी उटर बाजार है आप सोचे कि नहीं देंगे पास। ऐसा भी सोचिए कि वो पेशेंट को लाने भी तो जा रहा होगा, तो इसलिए आप जरूर दीजिए। और इसी बीच में पहुंच गया हूं मैं जो पहला एंट्री गेट पड़ता है, अभी आपको दिखाते हैं। इस कार के आगे ही है यूनिवर्सिटी का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। यहां से कैंपस से यहां से कराता है अपना कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, यहीं से कराता है शायद लगभग। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, ग्रेजुएट यहां से नहीं कराता है, केवल पोस्ट ग्रेजुएट कराता है, केवल पीजी। देखो भाई लोग कैसे घुसा दे रहे हैं, जाने दो उनको, जाने दो, ज़्यादा जल्दबाजी है उनको, जाने दो, जो जाए उनको जाने दो, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। तो मैं किसी को कटाक्ष या सरकाज्म नहीं बोल रहा हूँ, जो भी जा रहा है उसको जाने दो। तो पहुँच गया हूँ भैया मैं अवध यूनिवर्सिटी के गेट के ठीक सामने, आपको सड़क दिखाऊंगा यहाँ पे। ये है अवध यूनिवर्सिटी का गेट, थोड़ा सा स्लो करिएगा। ये है अवध यूनिवर्सिटी कैंपस या अवध यूनिवर्सिटी, अगर आप कभी भी कोई मार्कशीट करेक्शन कराना है, कुछ प्रॉब्लम है तो ये दिख रही है डॉक्टर राम मनोहर अवध विश्वविद्यालय, यही है वो बिल्डिंग। और सामने दीवार पे भी लिखा हुआ है अगर आपको दिख रहा होगा शायद। और एक इसका और गेट है, ये ऑपरेटिव गेट जो था वही पहला वाला था दिखा दिया, उसके सामने जस्ट बगल में ही एक और गेट है, लेकिन ये गेट बंद रहता है, केवल कुलपति साहब जो इसके वाइस चांसलर या चांसलर साहब हैं केवल वही इधर से जाते हैं। और आपको भीड़ दिखा रहा हूँ, करीब मैं 1 किलोमीटर तक आ गया हूँ उस चौराहे के चक्कर में, कितना तगड़ा भीड़ लग रहा है। अगर आप प्रयागराज से अयोध्या आ रहे हो तो आप इस चौराहे पे, पर्टिकुलर चौराहे पे आपको कहीं ना कहीं से आधा घंटा लगने वाला है। आप अपने लिए उसके लिए कोई दूसरा रास्ता, अगर कहीं आप आजमगढ़ अम्बेडकर नगर कहीं जा रहे हैं तो आपको पहले से ही जमूरतगंज से ही आपको राइट टर्न करके बिल्हार घाट होते हुए पूरा बाजार निकलना सही रहेगा, आपको अयोध्या आना जरूरी नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है यहाँ पे आने के लिए, रास्ता फॉलो करने के लिए, गोरखपुर जाना है कहीं और जाना है, तभी आप इस रास्ते से आइए। सामने लिख दिया, देखिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 3 किलोमीटर, प्रयागराज 159 और चित्रकूट 257 किलोमीटर लिख दिया था यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अयोध्या में चीज़ें नहीं है, यहाँ देखिए होंडा का विग विंग भी है यहाँ पे और कई हैं जहाँ से इनकी होंडा हाइनेस जैसी गाड़ियाँ, CBR ये सब गाड़ियाँ मिलती हैं। एक्टिवा तो नॉर्मल शोरूम में दे दिया है, तो बड़ी गाड़ियों के लिए भी इनको दे दिया है। और सड़क देखिए यहाँ पे डबल लेन है और ये डबल लेन आपको मिलेगा प्रयागराज, प्रयागराज से पहले पड़ता है प्रतापगढ़ तक, प्रतापगढ़ तक जो है आपको सिंगल ए डबल लेन ही जाना पड़ेगा क्योंकि 4 लेन है नहीं, तो कहीं ना कहीं से 70 किलोमीटर की दूरी आपको इसी सिंगल रोड पे ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर आप प्रयागराज से और अयोध्या आ रहे हो या अयोध्या से प्रयागराज जा रहे हो, तो ये जानकारी छोटी सी आपके लिए अलग से अपडेट मैं दिया हूँ। ये रास्ते हैं, ये ट्रैफिक है जिनको आपको फॉलो करना होगा। और अभी नवरात्रि का समय चल रहा है तो आप बगल में पंडाल देख के जान गए होंगे कि माता दुर्गा का ये जो पंडाल सजा हुआ है कितना भव्य सजा हुआ है भैया। और आप कमेंट में जय माता जी जरूर लिख सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है और हम अपील करेंगे जरूर लिखिए। अब ये गाड़ी मोटर कार आ गया इसलिए आपको मैं दिखा नहीं पाया ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि पीछे भी हमारे लोग लगे हैं। सामने जो पेड़ दिख रहा है वो पेड़ है ब्रह्म बाबा का। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो ब्रह्म बाबा का दर्शन करता है उसकी सभी मन्नतें पूरा होता है, तो ये वही यहाँ पे ये मंदिर है, ये पेड़ है, थोड़ा सा धीमे करिएगा, ब्रह्म बाबा का इन लोगों को दर्शन कराते हैं। ये है ब्रह्म बाबा, इनका आप दर्शन करिए। और लोग यहाँ पे कड़ाही देने आते हैं, कड़ाही मतलब पूरी सब जो उनका जो मन्नतें होती है उसके बाद यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है उसके लिए करते हैं। और जस्ट बगल में ये गेट है लिम्का फैक्ट्री का, आपने देखा होगा, नाम सुना होगा कोको कोला लिम्का, ये लिम्का फैक्ट्री है। तो ये लिम्का फैक्ट्री भी यहाँ पे है, अगर आपको लिम्का फैक्ट्री जाना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यही वो लोकेशन है। और उनका ये चिमनी ऊपर चिलर प्लांट का चिमनी है, क्या है वो देखिए। और यहीं पे ही झुंझुनवाला डिग्री कॉलेज JDC या JDS यहीं पे है, JDC झुंझुनवाला डिग्री कॉलेज भी है, बिजनेस कॉलेज JBS भी है यहीं पे, JBC बोलते शायद, झुंझुनवाला बिजनेस कॉलेज भी यहीं पे है। तो द्वारिकापुरी जो झुंझुनवाला लिखता है वो यहीं पे है, अगर कभी आप एग्जाम देने के लिए आपका एग्जाम सेंटर पड़ता है तो आपको यहीं आना पड़ेगा। ये जो पंडाल के जस्ट बगल से ट्रैफिक पुलिस का बोर्ड लगा है उसके बगल से ही राइट टर्न जाने पे 1 किलोमीटर के आसपास अंदर जाओगे तो वहीं पे पड़ेगा। तो ये है, यहाँ से करेंगे लेफ्ट टर्न जो आपको दिखाएगा, यहाँ पे थोड़ा धीमा करिए, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रयागराज।
ये आगे से यहीं से रास्ता आएगा जो आपको दिखाएगा एयरपोर्ट के लिए। यहाँ से करते हैं लेफ्ट टर्न और यहाँ से 300 मीटर बाद सीआरपीएफ कैंप भी है यहीं पे। ये आगे सीधे प्रयागराज, यहाँ से लेफ्ट टर्न जैसे करोगे सामने ही है, देखिए यहाँ पे दो दो चीजें हैं, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 1.5 किलोमीटर, राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज 2 किलोमीटर, सीआरपीएफ कैंप 300 मीटर। तो आपको दिखाते हैं कि एयरपोर्ट कैसे जाओगे। तो एयरपोर्ट का रास्ता यही है, अगर आप कभी भी आप अयोध्या से आओगे तो आपको यही पड़ेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी अपडेट देता हूं भैया। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।